मध्य प्रदेश में इस समय मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन के समय तेज धूप खिल रही है, जबकि सूर्यास्त के बाद तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार हैं, जिससे प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ने की संभावना है। राजधानी भोपाल में रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस समय गुलाबी ठंड का असर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रहा है। दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होने के कारण लोगों को मौसम के बदलते रंगों का अनुभव हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रविवार को मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पचमढ़ी में रात का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यह लगातार गिरावट दर्शाती है कि सर्दियों की दस्तक हो चुकी है। बीते सालों की बात करें तो दीपावली के बाद से गुलाबी ठंड का प्रभाव देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार दीपावली से पहले ही इस ठंड ने प्रदेश के कई हिस्सों में अपने पैर पसार लिए हैं। सुबह के समय मैदानी इलाकों में हल्की धुंध भी देखी जा रही है, जो सर्दियों की शुरुआत का संकेत देती है। रविवार को बड़वानी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, गुना में 35.8 डिग्री सेल्सियस और खजुराहो में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में रात का न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 14.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, जिससे मौसम की स्थिति और भी रोचक हो गई है। मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर को मानसून की विदाई हो चुकी थी। हालांकि लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 23 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहा। अब मौसम साफ हो चुका है और आने वाले दिनों में रात और दिन के तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गिरावट सर्दियों की शुरुआत का संकेत है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। यह गिरावट न केवल दिन के तापमान में बल्कि रात के तापमान में भी महसूस की जाएगी। लोग इसे गुलाबी ठंड के रूप में अनुभव करेंगे, जो सर्दियों की ओर बढ़ने का संकेत है। मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तेज धूप के बावजूद रात के समय ठंडक का अनुभव हो रहा है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम के अनुसार तैयार रहें और आवश्यक कदम उठाएं। सर्दियों की शुरुआत के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है।